नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के ओम थाना क्षेत्र खरौली गांव के देश भक्त वैष्णोदास शिव भक्त शिवकरण के साथ राजाराम इंटर कॉलेज हरदो में पढ़ाई की। आज एमपी न्यूज कास्ट चैनल स्टूडियो में परिचर्चा के दौरान एक खास बातचीत के दौरान सुनील कुमार और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो एमपी न्यूज कास्ट चैनल के उत्तर प्रदेश ब्यूरो, संजय पटेल के साथ देश भक्त वैष्णोदास शिवसेवक शिवकरण की विद्यार्थी जीवन से लेकर देश की तीनों सेनाओं की दैवीय सुरक्षा सलामती के लिए पैदल यात्रा 25 मार्च 2022 से शुरू किया है, जो आज मचेर चंडी देवी से होकर बर्फीले इलाके से निकलकर मां वैष्णो देवी यात्रा पूरी कर कन्याकुमारी तक पैदल चलने का अटूट निस्वार्थ जवानों की सलामती के लिए पैदल चल चुके हैं। आए सुने क्या बताया साथी सुनील कुमार और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने। आप लोगों को एमपी न्यूज कास्ट के माध्यम से देश के हर कोने कोने की कवरेज समय समय पर दिखाते रहेंगे। देश की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एमपी न्यूज कास्ट में आज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं उस शख्सियत के विषय में जो देश के हित में जो पैदल चलते तीनों सेनाओं की सलामती के लिए आज नंगे पांव जिस तरह से जूझ रहे हैं। आइए बात करते हैं, पहले परिचय करवाते हैं स्टूडियो में हमारे एक से एक योद्धा जो है उपस्थित हैं, उनके साथ पढ़ने वाले भी उपस्थित हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। जी आपका परिचय। मेरा नाम सुनील कुमार। जैसा कि एमपी न्यूज कास्ट स्टूडियो में डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी उपस्थित हैं और उनके साथ पढ़ने वाले सुनील कुमार भी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जो अपने वैष्णोदास शिवसेवक शिवकरण भाई हैं, सबसे पहले पूछते हैं सुनील भाई से, आप सुनील भाई शिवकरण भाई को कैसे जानते हैं? वो हमारे यहाँ नदिहाल में रहते हैं जी, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आसपास रहते हैं इसलिए जानते हैं उनको। उनकी जो साथ में पढ़े लिखे हैं जी, उनकी दिनचर्या कैसी थी? दिनचर्या थी उनकी, पढ़ाई लिखाई भी करते थे और पूजा पाठ भी करते थे, देशभक्ति में उनका ज़्यादा दिलचस्प था इसलिए वो दोनों तरफ ध्यान देते थे। वो जब विद्यालय जाते थे तो आप उनके साथ पढ़ने वाले हैं, वो विद्यालय में उनका कैसा जो है क्रियाकलाप था? विद्यालय में वो पढ़ते थे और पूजा पाठ भी करते थे और वहाँ राजाराम इंटर कॉलेज है हरदो में, वो वहाँ बजरंगबली का मंदिर है तो वहाँ भी अपना पूजा पाठ भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लेते थे जी। जैसा कि इसके पहले वो और जो है यात्रा कर चुके हैं जी, क्या उस विषय में कुछ आप बताएंगे? आप उस विषय में वहाँ ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ उनको देशभक्ति से ज़्यादा लगाव था इसलिए अपना करते थे। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जो है वहाँ एक गुफा में रह के वहाँ भंडारा वगैरह किया था, क्या ये आपको जानकारी है? जी हम उनके साथ गए थे, दो तीन लोग और थे, चार पांच लोग, जैसे लोग इकट्ठा कर वहाँ गए थे, भंडारा में भाग भी लिया और भंडारा भी करवाया, अच्छा था भंडारा वहाँ पर। आप लोगों ने सुना ये सुनील भाई हैं चक भगुल्लापुर के रहने वाले हैं, उनके साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उन्हें एक दैवी शक्ति कह लें या राष्ट्र प्रेम कह लें उनकी तरफ ज्यादा रुझान था। हमारे साथ जो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो है शिवकरण भाई को कैसे जानते हैं और कितना जानते हैं? जी ज्ञानेंद्र जी। जी भाई साहब, एक्चुअल जो हमारे महात्मा शिवकरण दास जी हैं, हम लोग इको जिले में पढ़ रहे थे तब से भी मैं इनसे परिचय में था, लेकिन हम लोग 10वीं राजा राम इंटर कॉलेज में हम लोगों ने साथ में रहे और उसके बाद फिर मैं सुदेव इंटर कॉलेज आ गया, तब से बीच में कुछ गैपिंग हुई लेकिन पूरा तरीके से वो बदल गया, जो परिवेश था वो पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को देशभक्ति में पूरी तरीके से लीन कर लिए और माँ
वैष्णव के भी काफी भक्त रहे, वो उस पर आस्था रखते हैं। और जब भी ये कभी स्कूल में बात आती थी, किसी एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी, तो ये अक्सर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। जब जो भी इनका रोल रहता था वो एक देश प्रेम के लिए ही, कोई भी ऐसा प्रश्न होता था तो ऐसा ये रोल लेते थे जिसमें देशभक्ति लिए थे, जागृत रहती थी। जैसा कि यहाँ से जब 25 मार्च को उनकी पदयात्रा शुरू हुई थी तो खागा में हनुमान मंदिर में आप लोगों ने भव्य स्वागत किया और उनको जो है कुछ दूर पैदल विदाई भी जो है उनके साथ चल के सहयोग किया। तो आप ये बताइए, जैसे ठंडी गर्मी हर मौसम था, उस मौसम में नंगे पैर वो चलते रहे हैं, ऐसे देशभक्त को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये वही शख्सियत कर सकता है जिसके अंदर रगों में पूरी तरीके से राष्ट्रभक्ति राष्ट्रप्रेम उसके अंदर हो, तभी ऐसा कोई कर सकता है। जिस भी शख्सियत के अंदर राष्ट्रभक्ति है राष्ट्रप्रेम है उसके लिए किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब वो यहाँ से गुजरे, अपने गांव से निकले, और जब ये जानकारी हुई हम सभी लोगों को, खा के जो रहने वाले हैं, जो उनके साथियों को, अन्य लोगों को, तो हम सभी लोगों ने उनसे आग्रह किया। और चूंकि वो रात्र हो चुकी थी तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया और आग्रह के साथ उनको हनुमान मंदिर में लोगों ने कहा कि आप आज यहीं विश्राम करिए। और वहाँ विश्राम किए, क्योंकि जो खान पान की जो भी उनकी व्यवस्था थी वो बहुत अल्प लेते थे, बहुत कम लेते थे, और जिस दिन वो रुके थे उस दिन का व्रत भी था जी। तो हम लोग जो कुछ लेके गए उसको कुछ उन्होंने स्वीकार नहीं किया, केवल उन्होंने मट्ठा पिया। पावधान पे है कि उनको जो है सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, यानी कि तीनों सेनाओं जो है उनको जो है गोद लेके चल रही है, उनका स्वागत भी करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें भी उठानी पड़ रही, ये कड़ुआ सत्य है। तो अब जो है क्या है कि शिवकरण भाई इस समय मचेल चंडी मचेल माता से होके वैष्णो माता होके नीचे उतर आए हैं, और वहां से अब जो है ये काश्मीर से कन्याकुमारी की तैयारी कर लिया है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? क्या लें जी, जिस भक्ति से पूरे राष्ट्र के तीनों सेनाओं के लिए सलामती के लिए वो माँ चंडेल के दर्शन किए, और पैदल यात्रा जिस तरीके से उन्होंने सलामती के लिए राष्ट्रभक्ति के लिए पूरे देशवासियों के सलामती के लिए वो पैदल गए हैं, जिस राष्ट्रभक्ति ने और माँ चंडेल की शक्ति ने उनको यहाँ से बिना किसी परेशानी के उनको अपने पास बुलाया है, उसी तरीके से वो सद्भाव लेकर के पुनः कन्याकुमारी तक जाएंगे जी। और जब वो पुनः हम लोगों के वापस आएंगे तो हम लोग जहाँ से हम लोगों का जनपद फतेहपुर में और यहाँ से प्रयागराज से हम लोग उनको रिसीव करेंगे और उनका बड़ा स्वागत करेंगे। और वो उसके हकदार हैं कि तीनों सेनाएं ही नहीं पूरा भारत उनके लिए स्वागत के वो योग्य। आज आज जो है भारत देश ही नहीं अन्य देश भी आपको देख रहे हैं, आप उनको आशीर्वचन रूप में क्या कहेंगे? मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, वो तो हम लोगों के आशीर्वाद के लेने के लिए तीनों सेनाओं की सलामती के लिए राष्ट्र सलामती के लिए पैदल चल करके, और ये भी है कि वो केवल माँ चंडेल के ही दर्शन नहीं, पूरे जो रास्ते में और भी देव स्थान हैं तो पूरे राष्ट्र सलामती के लिए वो अपनी अथक प्रयास कर रहे हैं। तो हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी उनका संघर्ष है वो संघर्ष उनका हमारे राष्ट्र के लिए बना रहे जी। आज एमपी न्यूज कास्ट स्टूडियो में आज की बात इतनी ही, और नेक्स्ट में फिर मिलते हैं और ऐसे देशभक्त को सलाम करते हैं जो अपने घर और परिवार की जो रखवाली ना करके जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आज देश के उन तीनों सेनाओं की सुरक्षा के लिए, दैवी शक्ति के लिए, सलामती के लिए आज नंगे पैर जो है बर्फ में भी चलते हैं, धूप में भी चलते हैं, कंकड़ में भी चलते हैं, उसको एमपी न्यूज कास्ट परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।